तो बेटा सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये सिस्टेमेटिकली अरेंज नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। आपको याद है मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म क्या होता है? हाँ, यस मैम, yes, तो ये जो x के पावर है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यानी ये देखो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक्स टू द पावर 0 होता है। तो यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x² -7x। देखो 7x के सामने देखो ये माइनस साइन है तो आपको साइन के साथ उसको लेना है और -3। तो अब क्या करेंगे, याद करो हमने यहाँ पे अभी ए किसे कहा था? तो ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², हमेशा ध्यान में रखना ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के पास जो भी नंबर है चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसे कहते हैं ए। तो यहाँ ए है +6। फिर बी, बी क्या होता है? बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के पास जो भी नंबर है साइन के साथ लेना है उसको, तो वो है -7। और सी होता है हमेशा कांस्टेंट जो लास्ट में होता है और वो भी हमें साइन के साथ लेना है। तो यहाँ बोल सकते हो आप सी की वैल्यू क्या होगी? -3। -3 -3 ना? ओके, तो सबसे पहले ये जो है ना एबीसी इसकी वैल्यूज निकालना आपको आना चाहिए। इसमें देखो कहीं पर भी आपको वेरिएबल दिख रहा है एबीसी की वैल्यू में? जैसे यहाँ देखो कोई कोई बच्चा यहाँ पे एक्स लेता है, तो आपको एक्स नहीं लेना है, आपको एक्स का कोइफिशियंट लेना है, यानी एक्स के पास जो भी नंबर है उस नंबर को लेना है साइन के साथ। अब फिर हम क्या करते थे, याद करो 9 क्लास में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने एसी की वैल्यू निकाली थी एसी। तो यहाँ पे ए है 6 और सी की वैल्यू है -3। तो ये हो जाता है, बता सकते हो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -18। ओके, -18 या -18। और बी तो हमें पता है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं बेटा, माइक नोट करो, माइक नोट करो। अभी आपको एक्चुअली करना क्या है, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स हुज मल्टीप्लीकेशन इज -18। ये एसी है ना, तो हुज मल्टीप्लीकेशन इज -18 बट देयर सम क्या होना चाहिए? सम -7। ओके, ये बी होना चाहिए, हाँ -7। तो अब देखो इसको एक्चुअली हम डायरेक्टली नंबर बता सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है, वो नंबर ढूंढना नहीं आता है, उसके लिए भी मैं एक आपको स्टेप्स बताती हूँ उसको कैसे करना। तो सबसे पहले इस -18 को लेना और उसके सभी फैक्टर्स निकालो, सभी फैक्टर्स। यानी 18 कैन बी रिटन एज, मैं फिलहाल इस निगेटिव साइन को भूल रही हूँ, तो 18 कैन बी रिटन एज 1 into 18, देन 18 कैन बी रिटन एज 2 into 9, देन 18 कैन बी रिटन एज 3 into 6। और कुछ लिख सकते हैं 18 के लिए? नो, फिर से फिर हाँ, फिर आप बोलेंगे 9 into 2 क्यों नहीं लिखा? तो 9 into 2 पहले ही हो गया है, तो उसको रिपीट मत लिखना। तो एक बार 2 into 9 हो या 9 into 2 हो कोई फर्क नहीं है,
तो इसलिए फिर से 9 into 2 मत लेना। अब क्या करना, देखो एक्चुअली हमारा यहाँ निगेटिव 18 है, निगेटिव 18, तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन लेंगे। अब मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन निगेटिव कब होता है, जब एक नंबर प्लस होना चाहिए एक नंबर माइनस होना चाहिए। ओके आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? अब देखो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने 18 के सभी फैक्टर्स निकाले, अब आगे क्या करना है, अभी ऐसे पेयर ढूंढो जिसका डिफरेंस 7 आना चाहिए, वो दो नंबर का डिफरेंस। -9 + 2, तो देखो -9, हाँ ये देखो 2 और 9 इनका डिफरेंस 7 होगा, तो हमारे जो पेयर है ना उसमें 2 और 9 रहेगा। अभी हम फिलहाल साइन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके तो सबसे पहले वो पेयर ढूंढना, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस 7 है। अब देखो बेटा हमें तो निगेटिव 18 चाहिए, तो निगेटिव 18 आने के लिए ये दो में से कोई तो एक नंबर निगेटिव होना चाहिए, है ना? एक तो 2 नेगेटिव होना चाहिए या तो 9 नेगेटिव होना चाहिए। फिर किसको नेगेटिव साइन देंगे? 9 नंबर। क्यों? क्यों 9 को? क्योंकि उनका जो 9 बड़ा है, हाँ उनका सम मुझे नेगेटिव 7 आना चाहिए। अगर आप 2 को नेगेटिव साइन देते, फॉर एग्जांपल 2 को साइन नेगेटिव देते तो क्या होता, क्या इसका आंसर निगेटिव 7 आता? नहीं, पॉजिटिव 7 आता, और हमें तो चाहिए निगेटिव 7। तो इसीलिए एक बार आपने पेयर डिसाइड की कि उसके बाद फिर सिंबल यानी निगेटिव साइन का बारे में सोचना है आपको, और बहुत आराम से सोचना कि अगर ये निगेटिव साइन 2 को देंगे तो क्या होगा, अगर ये निगेटिव साइन 9 को देंगे तो क्या होगा, फिर हमें क्या चाहिए। तो इस तरह से आपको बहुत केयरफुली साइन को रखना है। तो चलो इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। तो इसका मतलब हमने दो नंबर ढूंढे हैं, एक तो यहां आएगा 2 और -9, उल्टा उसका मल्टीप्लीकेशन निगेटिव 18 है, और 2 + -9 इनका सम निगेटिव 7 है। तो इस तरह से आप इस पेयर को भी ऐसे निकाल सकते हो। अब आगे क्या करेंगे, फिर स्प्लिटिंग मिडल टर्म, 6x² - 7x - 3 था, फिर 6x². अब देखो इस -7x के बदले में हम ये दोनों नंबर रखने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2x - 9x - 3। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। तो अब हम दो दो की पेयर लगाते हैं। अब मुझे बताओ पहले पेयर में से कॉमन क्या निकलता है? 2x। कॉमन फैक्टर, एक्चुअली हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो 2x निकल गया। अब मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या रह गया? 3x + 1। ओके गुड, अभी हमने जो कॉमन निकला है वो सही है कि नहीं ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे करते हैं क्रॉस चेक? 2x * 3x = 6x², हाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x * +1 2x, तो इस तरह से भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, आप एक बात ध्यान में रखना, आगे वाला जो ब्रैकेट है ना वो 3x + 1 ही रहेगा, इसलिए सबसे पहले वो ब्रैकेट लिख दो, फिर सोचो कि ये सेकंड ग्रुप में से कौन कॉमन निकलेगा, बताओ? -3। गुड, -3। ओके ओके वेरी गुड। अब देखो फिर से ये ब्रैकेट कॉमन, फिर 3x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x - 3 - 3। तो ये हो गए उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर्स। कौन सी क्लास है मैडम? 10th क्लास। अच्छा, जो 10th में है। हाँ।
तो चलो बेटा, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। तो इसमें देखो, ये जो एग्जांपल है ना, ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। किसकी वजह से आ चुका है पता है? क्योंकि बच्चे को उसको रीअरेंज करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पहले थ्री था, तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ठीक है, तो होमवर्क में और एक एग्जांपल था, वो शायद आपको आया होगा, पता नहीं। आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस फोर था ना, ऐसा था? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ बोलो बेटा, बोलो मैम। मैम बोलो बोलो मैम, डाउट एक बार x स्क्वायर माइनस 15 वाला एक्सप्लेन। हाँ, बताती हूँ x स्क्वायर माइनस 15 ना, बताती हूँ। तो पहले ये इजी है, ये इसको मैं बताती हूँ। अबे एक्चुअली बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। मैंने कैसे कहा ये क्वाड्रेटिक है, बता सकते हो? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। फिर चाहे इसमें दो टर्म क्यों ना हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहां तो तीन टर्म होने चाहिए और यहां तो दो ही टर्म है। कोई बात नहीं, दो टर्म हो, तीन टर्म हो या एक टर्म हो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, जो कि इसकी डिग्री 2 है। तो सिर्फ डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है उसका क्वाड्रेटिक होना। तो अब इसके हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? अब देखो बेटा, यहां पे मिडल टर्म है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म का प्रॉब्लम ही नहीं आता। जैसे देखो, ये जो पहला एग्जांपल हुआ था, इसमें मिडल टर्म था, कौन सा था मिडल टर्म इसमें? माइनस सेवन एक्स। ओके, तो जब मिडल टर्म होता है तब स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड की बात होती है। तो जिस एग्जांपल में मिडल टर्म ही नहीं है, उसमें हम थोड़ी ना स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज करेंगे। हाँ, किसी एक बच्चे ने मुझे होमवर्क भेजा था, उसने किया था, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिटीज है, याद करो, इसको देखने के बाद हमें एक आइडेंटिटी याद होती है। क्यों याद होती है? क्योंकि देखो, ये x स्क्वायर है और ये 4 भी किसी का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4। हाँ गुड, 4 ये किसका स्क्वायर है? 2 का। हाँ, तो हम उसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसको देखने के बाद हमें आइडेंटिटी याद आती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बता सकते हो आइडेंटिटी क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी यहाँ ए एक्स है और बी 2 है, तो ये होगा एक्स प्लस 2 और सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। एकदम सिंपल। तो जिसमें मिडल टर्म नहीं होती, उसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से फैक्टर्स नहीं निकालना। अब एक और एग्जांपल था, एक्स स्क्वायर माइनस 15, वो भी ऐसा ही एग्जांपल है, इसमें भी मिडल टर्म नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो यहां एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, लेकिन 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे यहां देखो, यहां 4 ये 2 का स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर है ना वो, लेकिन 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमें तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो क्या करेंगे? अंडर रूट 15 स्क्वायर। गुड, अंडर रूट 15 स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 7, हम 7 को रूट 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, वैल्यू तो सेम है।
वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इक्वल टू लिखा, इसका मतलब ये दोनों भी साइड सेम है, तो रूट सेवन का स्क्वायर भी तो सेवन ही होता है ना। तो इस तरह से हम इस 15 को ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ यस मैम। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी एक्स और बी की वैल्यू आएगी रूट 15। तो यहां फैक्टर्स होंगे एक्स प्लस रूट 15 और सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट 15 हो गए फैक्टर। चलो बेटा, जिसको डाउट था ये सॉल्व हुआ आपका डाउट? क्वेश्चन फोर क्या था बेटा? क्वेश्चन फोर बोल सकते हो? 4x² + 8x। ओके एक मिनट, 4x² + 8x। यस, 4x² + 8x। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पे मिडल टर्म है 8x, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, ax² + bx + c। तो इसमें मिडल टर्म है, लेकिन हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्प्लिट करने के लिए c भी तो होना चाहिए। तो यहां पे कोई भी नंबर नहीं है, c कोई भी नंबर नहीं है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए तीनों भी होना जरूरी है, ax² + bx + c, तब जाके स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड नहीं होगी। फिर जैसे हमने यहाँ लास्ट एग्जांपल में किया था x² - 4, तो ये 4 तो लास्ट टर्म थी। देखो ये 4, ये 15, ये c था, c आपको समझ में आ रहा है ना? ये पहले जो एग्जांपल हमने लिए थे ये दोनों भी, उसमें मिडल टर्म नहीं थी लेकिन आखिरी वाली टर्म थी। और अभी हम जो एग्जांपल कर रहे हैं इसमें लास्ट टर्म है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो फैक्टर निकालने की और एक मेथड है, कॉमन फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को देखने के बाद हमें लगता है कि इसमें दोनों टर्म में से, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, ये बाइनोमियल है ना, इसमें एक फैक्टर कॉमन है, 4x. तो हम उस कॉमन फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं। जो कॉमन फैक्टर है दोनों में होना चाहिए, वो फैक्टर हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब यहां क्या रह गया ब्रैकेट में? x plus 2। तो इस तरह से देखो बेटा, बेटा माइक म्यूट करना। तो इस तरह से ये फैक्टर हो गए। ये फैक्टर होता क्या है बेटा, कि जिसमें मल्टीप्लीकेशन ये सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है, वो है फैक्टर्स। तो ये है फैक्टर्स, ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। लेकिन ये तीनों फैक्टर में देखो मल्टीप्लीकेशन है, साइन है, इसका मतलब ये तीनों भी फैक्टर्स है। जैसे देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, दोनों में मल्टीप्लीकेशन। तो जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उन सब में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इस तरह से 4x² + 8x के ऐसे फैक्टर बन गए, इसके आगे कुछ नहीं होता। तो चलो, आपका जो डाउट था क्लियर हो गया? माइनस नेगेटिव साइन कॉमन माइनस कैसे निकालते हैं उसमें? यस मैम। एक एग्जांपल ले लूं मैं, ये एक एग्जांपल है 3x² - x - 4। ये एग्जांपल आपका था शायद 7th एग्जांपल था, आई थिंक, मुझे ठीक से पता नहीं है। यस मैम। हाँ, तो इसमें आपको माइनस साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, करेक्ट? ओके, हम उसको सॉल्व करेंगे अभी। तो चलो सबसे पहले मुझे बताओ ए क्या है,
साइन के साथ बताना, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर है वो ए होता है। चलो बी बता सकते हो मुझे? वन नहीं बेटा, पॉजिटिव वन नहीं, क्योंकि एक्स के पास देखो कुछ भी नहीं, इसका मतलब वन है, लेकिन उसका साइन भी तो लेना है ना हमें, तो निगेटिव वन। और सी क्या है? ओके, तो जो भी आप एबीसी लेंगे ना वो साइन के साथ लेना है। तो चलो फिर हम निकालते हैं, ए सी निकालते बेटा, आंसर देने के बाद ना माइक को म्यूट करना। चलो ए सी, ए सी होता है 3 × −4, बता सकते हो क्या होगा? ओके, और बी तो बी है निगेटिव वन। तो चलो अब हम, हमें वो दो नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए निगेटिव 12 और जिसकी सम होनी चाहिए क्या, -4 + -1। तो चलो हम अभी ये जो 12 है ना निगेटिव 12, इसके सभी फैक्टर्स लेंगे। तो 1 × 12 हो सकता है, फिर 12 को हम 2 × 6 भी लिख सकते हैं, फिर हम 12 को 3 × 4 भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ 12 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो अब मुझे बता सकते हो हमें डिफरेंस कितना चाहिए? -1 चाहिए, या सिर्फ 1 बोलो, साइन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 1, तो बता सकते हो इसमें डिफरेंस 1 किसका है? 3 and 4। इसका मतलब 3 and 4 ये दोनों उस पेयर में रहेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे निगेटिव 12 है, तो इसका मतलब एक तो 3 निगेटिव होना चाहिए या तो 4 निगेटिव होना चाहिए। तो बताओ किसको निगेटिव लेंगे? 4। ओके, तो ओके, तो फिर इसमें शायद किसी को डाउट नहीं है किसको निगेटिव साइन लेना है, अगर होगा तो मुझे बताओ, किसी को डाउट है इस निगेटिव साइन 4 को क्यों दिया? क्योंकि देखो दोनों का एडिशन करो, मुझे निगेटिव 1 चाहिए, निगेटिव 1 आ रहा है, तो यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, ओके, तो अभी हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को तो हम ऐसे लिखते हैं, फिर जो सेकंड टर्म है उसके बदले में हम लिखेंगे पॉजिटिव 3x और निगेटिव 4x। तो ये हुआ पॉजिटिव 3x और ये निगेटिव 4x, x लिखना मत भूलना, सिर्फ पॉजिटिव 3 और निगेटिव 4 नहीं लिखना है, उसमें x भी लिखना है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये निगेटिव 1 होना है, निगेटिव x होना है, तो इसलिए x लिखना मत भूलना। और फिर आगे है निगेटिव 4, तो ठीक है। तो अभी इसमें पेयर, चलो पहले पेयर में कॉमन क्या निकलता है? 3x। ओके, ब्रैकेट में क्या रहेगा? x plus 1 रहेगा बेटा, 0 नहीं है, पूरा 3x बाहर निकल गया तो 1 रहेगा। अभी देखो ये जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट x plus 1, अजून पहिला प्लस लो, 1 x plus 1, तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये x plus 1 ही रहेगा, तो आप बिल्कुल बिंदास से ये जो पहला ब्रैकेट है ना वही ब्रैकेट सामने लिख दो। अब माइक yes, करो, हाँ माइक में करो। अब देखो अभी आप बता सकते हो कि इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? -4। तो इस तरह से माइनस साइन कॉमन निकलता है। आई बात समझ में? नो मैम, नहीं समझा मेरे को। तो अभी यहाँ पे देखो फिर से एक्स प्लस, समझा बोला
मैम नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा बोला। ओके बेटा, हाँ ओके ओके, नहीं समझा फिर से बताती हूँ। अब मुझे बताओ पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमा निकलता है, पहले ग्रुप में से? मैम वो फैक्टर्स को स्प्लिट करने का नहीं समझ रहा है। फैक्ट कौन सी स्टेप बताओ मुझे, कहाँ से? वही 3x² - x - 4 का। यानी इसके पहले? हाँ हाँ यस। ओके तो तुम्हारा नाम बताओ बेटा। ओके छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा मेरा नाम ओम। ओम हाँ, ओम मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? हाँ मैम। ओके ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल लेंगे 3x² - x - 4। ठीक है, अभी हम हमारी मेथड कौन सी है? मिडल स्प्लिटिंग, मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करना। स्प्लिट करने का मतलब उसको उसके भाग करना है, हमें मिडल टर्म के हमें भाग करना है। तुम बता सकते हो इसमें मिडल टर्म कौन सी है? x, x नहीं है, नेगेटिव x है। यस नेगेटिव x। ओके हाँ चलो, अभी फर्स्ट टर्म को ऐसे रखेंगे 3x² अब ये जो मिडल टर्म है ना उसके बदले में हम क्या लिखेंगे? तो हमने ये जो दो नंबर ढूंढे हैं 3 और -4 उनको यहां रखना है। तो 3 पॉजिटिव है तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव 3 साथ में x, x तो लिखना ही है। फिर दूसरा नंबर कौन सा है? -4 तो यहां लिखेंगे -4 फिर से x। और लास्ट टर्म कौन सी है? -4 -4। तो चलो बताओ यहां तक समझ में आया? हाँ हाँ यस मैम, यहां तक समझ में आया सबको? ओके तो चलो फिर क्या करना बेटा, ये दो दो के ग्रुप बनाना। फिर अब ये पहले ग्रुप में से क्या कॉमन निकलता है, तुम्हें क्या सेम सेम दिखता है दोनों में से? एक तो 3 और x, 3x, 3x दिखता है। ओके तो इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब 3x निकाल दिया तो अब मुझे बताओ यहां से क्या बाकी है? 3x² है ना, 3x² में से 3x बाहर निकल गया, तो क्या बाकी? x + 1 x और प्लस, और ये जो दूसरा टर्म है ना ये 3x, तो ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो 1 रह गया। यहाँ तो कोई डाउट? नो। अभी देखो हाँ, सेकंड ब्रैकेट भी x + 1 ही रहता है, जो पहला ब्रैकेट रहता है वही दूसरा ब्रैकेट रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो आप क्या करो, तुरंत वो दूसरा ब्रैकेट लिख दो, फिर सोचो कि ये जो मैंने रेड कलर में अंडरलाइन कर किया है ना, ये इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? -4 यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके चलो फिर अभी, फिर जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना x + 1 x + 1, तो उसको एक बार लिखेंगे। फिर अब दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3x - 4 3x - 4 हो गए। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो फैक्टर हो गए। मैंने फैक्टर क्यों कहा, इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन है। तो आई बात समझ में बेटा, माइनस साइन कैसे कॉमन निकालते हैं? yes, और एक एग्जांपल चाहिए आपको ऐसा? यस मैम। क्योंकि ये बेसिक है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर आपको आगे कुछ एग्जांपल है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आगे वाला नहीं आएगा, हाँ ध्यान रखना। तो क्या मैं होमवर्क का एग्जांपल ले सकती हूँ कोई एक? कौन सा ले लूँ मैम? बताओ साक्षी सूर्यवंशी।
she wants to join the class, ma'am. So, beta, she can join, beta. ये ऑटो एडमिट है, वो ज्वाइन कर सकती है. ओके मैम. हाँ, वो ज्वाइन कर सकती है. मैंने ऑटो एडमिट ऑप्शन चूज किया है, वो ज्वाइन कर सकती है. तो बोल दो बेटा ज्वाइन करो. चलो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं. और बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो. चलो अब मुझे बताओ, फटाफट बताना है, ए क्या होगा? पॉजिटिव थ्री. पॉजिटिव थ्री. साइन के साथ बताना. पॉजिटिव थ्री, हमेशा साइन के साथ बताना. बी क्या होगा? पॉजिटिव फाइव. पॉजिटिव फाइव. सी क्या होगा? ओके, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है. फिर हाँ, फिर हम क्या निकालते हैं? ए सी. ए सी. ए इंटू सी. ए इंटू सी. तो ये होगा 3 इंटू निगेटिव 2. इसका मतलब ये हो गया है निगेटिव. फिर हम क्या करते हैं? ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट होना है निगेटिव 6 और उनका सम होना है b की वैल्यू यानी 5. फिर हम ये 6 लेते हैं, ये 6. फिर क्या करते हैं? 6 के सभी फैक्टर्स 1 into 6, फिर 2 into 3, और कुछ लिख सकते हैं 6 is equal to? और कुछ लिख सकते हैं? नहीं ना. तो हमें अभी चूज करना है पेयर. अभी ऐसे पेयर चूज करो जिसमें डिफरेंस 5 होना चाहिए. 2 and 6. अब देखो, इनका डिफरेंस है फाइव. 1 और 6 का डिफरेंस है 5. इसका डिफरेंस तो 1 है. हमें डिफरेंस देखना है बेटा, हमें डिफरेंस देखना है. तो हमारी पेयर बन गई 1 और 6. तो चलो, एक बार हमारी पेयर फिक्स हो गई, अब हम सोचेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो निगेटिव 6 है. तो 1 और 6 में से किसको निगेटिव साइन देंगे? 6 1 1 1 1. जिसने 6 को देने के लिए कहा है, अगर मैं 6 को निगेटिव साइन देती हूं तो क्या इनका आंसर 5 आएगा? नो मैम. नो मैम. क्या आएगा? नो मैम. क्या आएगा? -5. लेकिन हमें तो 5 चाहिए. इसका मतलब हमने जो सिंबल चूज किए हैं वो रॉन्ग है. इसका मतलब 1 को निगेटिव चाहिए और 6 को पॉजिटिव. एक बार इसमें रख के चेक करो. हमेशा वो नंबर चेक करना रखने के बाद, एकदम बिल्कुल सडनली वो नंबर ढूंढना फिर रखना और फटाफट प्रॉब्लम करना, ऐसे कभी मत करना. एक बार चेक कर लो ना. देखो, निगेटिव 1 into 6 वो तो निगेटिव 6 होगा ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, निगेटिव 1 plus 6 पॉजिटिव 5 आ रहा है. इसका मतलब हमारा सब करेक्ट है. तो अब आगे क्या करेंगे? yes. हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम. ओके. तो फिर से मैं पॉलीनोमियल लिख रही हूँ. अब मैं मिडल टर्म को स्प्लिट कर रही हूं. मिडल टर्म है ये. इसके बदले में मैं और कुछ लिख रही हूं, वो नंबर जो हमने ढूंढे हैं. तो यहाँ पे 3x² ऐसे ही, फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे ही लिखते हैं. फिर इस +5x के बदले में हम लिखेंगे वो नंबर जो हमने ढूंढे हैं, और हमने ढूंढा है -1 और 6. तो यहां लिखेंगे -1x, आप सिर्फ x भी लिख सकते हो, +6x. मैंने +6 क्यों लिखा? क्योंकि 6 ही पॉजिटिव था. और फिर लास्ट टर्म -2, ऐसे ही. अब ग्रुपिंग,
ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, हमेशा दो दो के ग्रुप बनाते हैं हम। अब मुझे बताओ पहले ग्रुप में कॉमन क्या निकलता है, कॉमन फैक्टर x x x x ओके तो अंदर क्या रहेगा 3x minus 3x minus 1 ओके ओके अब दूसरा ब्रैकेट भी 3x minus 1 ही होगा। आप लिख लो, फिर सोचो कि अब ये दूसरे ग्रुप में से कॉमन क्या निकलेगा, साइन के साथ बता दो। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तब समझ लेना पॉजिटिव साइन कॉमन निकलता है, और जब साइन चेंज होते हैं तब नेगेटिव साइन कॉमन निकलता है। ये मैंने क्या कहा, देखो ऊपर नेगेटिव साइन था, यहाँ पे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको दिख रहा है रेड से, और यहाँ बन गया पॉजिटिव साइन, यहाँ बन गया पॉजिटिव साइन। तो जब इस तरह से साइन चेंज होते हैं ना, तब हमेशा नेगेटिव साइन कॉमन निकलता है। और आगे का एग्जांपल देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ये देखो नेगेटिव था, लेकिन यहां है पॉजिटिव, इसका मतलब साइन चेंज हो गया, तब नेगेटिव साइन कॉमन निकलता है। और अभी हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें देखो, यहां लास्ट में नेगेटिव साइन था और ब्रैकेट में भी नेगेटिव है, सेम है, तो प्लस साइन बाहर निकलता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा सिर्फ मैंने एक ऑब्जर्वेशन बताया आपको, आप चेक कर लेना, जब आप एग्जाम्पल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो चलो फिर से 3x minus 1, ये एक ब्रैकेट कॉमन हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा x plus 2 x plus 2। तो ये हो गए फैक्टर्स, अभी हम सिर्फ फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो चलो और एक एग्जाम्पल ले ले कि यहाँ रुक जाए, आप बोलो और कोई एग्जाम्पल चाहिए आपको, आप बोलो बेटा। कोई नहीं बोल रहा। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। 2x स्क्वायर आपके टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम है, 8x प्लस 6। चलो अभी इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है, कोई बात नहीं। तो बेटा इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करने के पहले क्या आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये तीनों में से कुछ कॉमन निकलता है? हाँ, टू कॉमन निकलता है। तो जब ऐसे होता है, तीनों में से कोई एक फैक्टर कॉमन निकलता है, तो तुम पहले से ही उसको कॉमन निकाल सकते हो। टू कॉमन निकाल के फिर अंदर क्या रहेगा, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस। चलो तो इसमें कॉमन निकल रहा था इसलिए हमने निकाला है। अभी जिसको कॉमन निकालना नहीं है तो वो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकता है डायरेक्टली, लेकिन अभी तो मुझे फिलहाल क्लियर दिख रहा है कि टू कॉमन निकल रहा है, तो टू को कॉमन निकाल दो। तो अभी देखो अभी फैक्टर नहीं हुए हैं, अभी और हमें काम करना है। तो चलो इस टू को हम आखिरी तक लिखते रहेंगे, सबसे पहले हम अभी फैक्टर्स निकालेंगे इसके, यानी हमारे सामने अभी नया पॉलिनोमियल आया है, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। मैम 4x प्लस 3 कहाँ से आया? हाँ 4x प्लस 3 कहाँ से आया? चलो मुझे बता सकते हो ये तीन टर्म में से एक फैक्टर कॉमन है तीनों में, वो कौन सा है? 2। तो चलो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया। अब मुझे बताओ एक एक टर्म में क्या बाकी रहेगा 2 निकालने के बाद? x स्क्वायर, x स्क्वायर फिर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री
4x प्लस 3, नहीं जिसने मुझे डाउट पूछा था कि मैडम ये प्लस 3 कहां से आया, उससे बात कर रही हूं मैं। तुम्हें समझ में आया प्लस 3 कहां से आया? चलो ये भी बताती हूं मैं कैसे आया। जब ये 2 कॉमन निकालते हैं ना, तुम एक काम करो, सभी को 2 से डिवाइड करो, सभी को 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में लिखो। तो पहले इसमें एक्स स्क्वायर रहता है, दूसरे इसमें क्या रहेगा बताओ, 2 से डिवाइड करो ना 8x को, क्या आएगा आंसर? अरे बोलो, जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा है वो आंसर देगा। तुम मीटिंग में हो? यस मैम। हाँ तो बोलो ना बेटा, नेगेटिव 8x को हमने अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, मैम। तो यहां रहेगा 4x। नेक्स्ट प्लस है, इसको करो डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? टू मैम। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, अरे बेतरिक सहा, तो यहां पे 3 आएगा। तो आपको कॉमन निकालना आता है कि नहीं? यस मैम। अगर नहीं निकालना आता है तो भी मुझे बोल दो बेटा, बताऊंगी मैं आपको। जो नंबर कॉमन निकालते हैं ना बेटा, उस नंबर से तीनों को भी डिवाइड करो, ओरली डिवाइड करो ना। तो चलो तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अभी जिसको ये कॉमन निकालना वगैरह हमें पसंद नहीं है, ओके ठीक है, फिर उसके लिए हम डायरेक्टली इसके फैक्टर निकालेंगे डायरेक्टली। चलो बताओ ए क्या है? पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2। चलो बी क्या है? नेगेटिव 8। सी क्या है? पॉजिटिव 6। फिर हम क्या करते हैं? एसी फाइंड करते हैं। हाँ एसी फाइंड करते हैं। चलो एसी होगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। फिर हम क्या करते हैं? टू नंबर जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 12 और उनका सम क्या आना चाहिए बता सकते हो? -8। हाँ ये भी -8। तो चलो हमें ओरली वो नंबर नहीं आते तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 12 से। ये जो 12 है ना, ये 12 से। तो 12 के सभी फैक्टर लिखो, 1 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 4, और कुछ है? नो। तो चलो अभी हमें पेयर ढूंढनी है जिसका डिफरेंस 8 होना चाहिए। है कोई प्रोडक्ट, है कोई पेयर जिसका डिफरेंस 8 आ रहा है? नहीं है। तो ऐसे केस में उसका सम देखो। देखो हमेशा डिफरेंस देखने का ट्राई करना, और जब डिफरेंस नहीं आता है तो फिर सम देखो। तो ऐसी कौन सी पेयर है जिसका सम 8 आ रहा है? 2 और 6। तो चलो अभी ये तो 12 है, 12 तो पॉजिटिव है, तो अभी 2 और 6 को, आपको पता है प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? माइनस इनटू माइनस। एक तो दोनों भी पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों भी निगेटिव होना चाहिए। याद रखो निगेटिव इनटू निगेटिव वो होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होता है। और हमारा जो नंबर है ना 12, ये पॉजिटिव है। देखो बेटा ध्यान से देखना, हाँ एक मिनट, हमारी पेयर ये है,
देखो यहाँ पॉजिटिव 12 है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो फिर ये 2 और 6 के साइन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो हो सकता है 2 भी पॉजिटिव हो और 6 भी पॉजिटिव हो, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन 2 भी नेगेटिव और 6 भी नेगेटिव। मैम बोथ शुड बी नेगेटिव। नहीं देखो दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको आपको समझ में आई, ये दोनों केस वाली बात? यस मैम। तो अभी ये लेना है कि ये लेना है? नेगेटिव। नेगेटिव। कैसे किया डिसाइड? कैसे किया डिसाइड? नेगेटिव 8। हाँ हमें चाहिए नेगेटिव 8, क्योंकि अगर हम 2 और 6 लेते तो उनका सम तो 8 आएगा, हमें थोड़ी 8 चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव 8। आपको समझ में आ रहा है बेटा मैं जो पढ़ा रही हूँ? यस मैम। यस मैम। ओके तो वो नंबर रहेंगे नेगेटिव 2 और नेगेटिव 6, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो आपको आगे वाला नहीं आएगा। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आता है तो कोई बात नहीं, आप 9 क्लास की बुक निकालो, या नहीं है तो नेट से डाउनलोड करो और उसमें जितने भी ऐसे प्रॉब्लम है 10 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो, आपका एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलो अब फिर से लिखेंगे पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6। अब मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, यह है मिडल टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ऐसे रखेंगे 2x². अब इस मिडल टर्म के बदले में हम क्या लिखेंगे? तो जो नंबर हम माइनस एक्स हमने ढूंढे हैं, जो नंबर हमने ढूंढे हैं एक्स के साथ, यानी -2x और -6x, और लास्ट टर्म तो ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। अब बताओ पहले पेयर में कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 2x तो निकलता है और x भी निकल रहा है। अब अंदर क्या रहता है? x माइनस वन। ओके अब देखो सेकंड ब्रैकेट भी x-1 ही होगा, लिख लो। फिर बाद में सोचना कि ये दूसरे जो लाल अंडरलाइन किया है मैंने उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, उसमें से कॉमन तो मुझे 6 दिख रहा है, 6 तो दिख रहा है। माइनस साइन क्यू, देखो चेक करो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ होगा साइन चेंज हो गया ना, तो माइनस साइन कॉमन निकलेगा। आप कैसे भी सोचो सिर्फ मैंने एक ऑब्जर्वेशन बताया है, तो निगेटिव 6 कॉमन निकलता है। अब फिर से कॉमन ब्रैकेट x-1 और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 2x-6। इस तरह से ये दोनों हो गए फैक्टर्स क्वाड्रेटिक के। आई थिंक मुझे लगता है इतना सफिशियंट है। मैं आपको आज फिर से कुछ होमवर्क के लिए एग्जांपल दूंगी, फिर से प्रैक्टिस करना, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना ही चाहिए बेटा। तो चलो अभी आप, हमारा टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पे रुक जा रही हूँ।